सिवनी मालवा के छात्रावास में रहने वाली छात्राएं जहां एक ओर खाने की गुणवत्ता को लेकर नाराज हैं, तो वहीं बीमार होने पर इलाज में देरी को लेकर भी छात्राओं ने अधीक्षिका की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए हैं। सिवनी मालवा तहसील मुख्यालय पर स्थित बालिका छात्रावास में छात्राओं को गुणवत्ता विहीन खाना मिलता है। छात्राओं का कहना है कि खाने में कई बार इल्ली निकल चुकी है तो कई बार बाल भी आ चुके हैं। अगर हम इसकी शिकायत करते हैं तो मैडम हमें डांटती है। छात्रावास में हमें खाना अच्छा नहीं मिलता है। खाना तो मिलता है, पेट भर भी मिलता है, लेकिन है ना, जो खाने मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। हम लोगों को मेनू के हिसाब से भी नहीं मिलता, जो मेनू में लिखा है ना वो कभी नहीं बनता। और जब कभी कोई बीमार होता है तो उसे किस तरह खाना दिया जाता है? जब बीमार रहता तो उसको नॉर्मली सबको मिलता है वही घटिया खाना मिलता है, और उसको स्पेशली फल फ्रूट वगैरह दूध कुछ नहीं दिया जाता, बाकी इन सबके पैसे आते हैं। छात्रावास में रहते हैं तो छात्रावास में क्या समस्या आती है? हम छात्रावास में वहाँ पर रहते हैं तो, लेकिन मैम बोलती है कि यहाँ पे गेहूँ बनवाती है, चावल बनवाती है और घास उसकाती है, उसको आती है मैम हमसे। छात्रावास में काम करने के लिए बाई नहीं लगी हुई है? लगी हुई है, लेकिन हमसे भी करवाती है। सारी लड़कियों को हम बोलते हैं मैम पेपर है, तो मैम बोलती है कि पेपर है तो तुम इतनी पढ़ाई नहीं करते, बहाने कर रही हो, और ऐसे करके फिर काम भी करवाती है मैडम हमसे। गौरतलब है कि विगत दिनों नायब तहसीलदार नीलेश पटेल द्वारा छात्रावास का निरीक्षण किया गया था, जिसमें छात्राओं ने बिना अधीक्षिका की उपस्थिति में अपनी शिकायतों को नायब तहसीलदार के सामने रखने की बात कही थी, लेकिन अधीक्षिका की उपस्थिति के कारण कई सारी बातें छात्राएं अधिकारी से नहीं कह पाई, जिसके बाद छात्राओं ने छात्रावास में चल रही अनियमितताओं को उजागर किया। वहीं इस मामले में SDM का कहना है कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है, हालांकि हमारे द्वारा छात्रावास का निरीक्षण किया जा चुका है। नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी है। मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग भी हॉस्टल में जा चुके हैं, और शासन की मंशा भी है कि सक्षम अधिकारी हर महीने कम से कम एक बार छात्रावासों का निरीक्षण किए। हमने उसमें नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को बालिका छात्रावासों की जिम्मेदारी दी है, और सभी छात्रावास किसी न किसी अधिकारी को दिया गया है, और जैसा आप बता रहे हैं उसकी पूरी तरह से जाँच होगी, और कोई भी अनियमितता मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, सिवनी मालवा।